हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज नाइन्थ क्लास में स्पेशल लेक्चर है बेटा। हम कर रहे थे 2021 में जो बोर्ड में फाइनल पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को, और सेक्शन ए हम डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्रेस 0.6 के ऊपर बार इन द फॉर्म पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। 0.6 के ऊपर बार को हमने p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। देखिए इसका तरीका होता है बेटा, लेट हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0.6। अब 6 के ऊपर बार है मतलब 6 बार बार आएगा इस तरह से। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि बार कितने अक्षर के ऊपर है। एक अक्षर के ऊपर बार है तो 10 से गुना करेंगे, 2 के ऊपर बार होता तो 100 से गुना करेंगे। x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 सरक जाएगा, 6.6666 इस तरह से आएगा। ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, दोनों इक्वेशंस को हम घटा देते हैं। 10x में से 1x गया 9x, और 6.66 में से 0.666 गए तो क्या बचा बेटा, सिर्फ 6 ही बचा। यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे, 9 मल्टीप्लाई गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। कट रहे हैं बिल्कुल, 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6 है, 3 दिया 9। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/3, या फिर इसको 6/9 यहां तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ गई ना बटे में ये संख्या, और हमारे पास क्या थी, 0.66 के ऊपर बार था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 = 2x + y इन 2 वेरिएबल्स। दो चरों वाले रैखिक समीकरण 3 = 2x + y का आलेख खींचिए। हमें क्या दे रखा है बेटा, 2x + y = 3, ये दे रखा है। और हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने से पहले हम एक छोटी टेबल बनाते हैं, और जिसमें हम तीन वैल्यूज लेते हैं एक्स और वाई की, और तीन ही लेना बेटा। क्या वैल्यू निकालें, x की जगह 0 रख दे, 2 और 0 की गुना 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 आएगी, ठीक है। y की जगह 1 रखो, कैसे, देखो 2x + 1 = 3, प्लस का 1 है उधर जाएगा, माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। और क्या रख सकते हैं हम, अगर y की जगह 0 रख रहे हैं तो ये बटे में आ रहा है बेटा। y की जगह -1 रख दो, माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस का, 3 और 1 = 4, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2। इस तरह से बेटा हमें तीन पेयर मिल गए। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, ये ग्राफ बना हुआ है इसी में प्लॉट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1, ये पॉइंट है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट है। स्केल से इनको मिला देंगे, एक सीधी लाइन आएगी, और यही हमारा क्या हो गया बेटा, ग्राफ हो गया, आलेख हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने अगर कोई भी रैखिक समीकरण आ जाए ना, उसका ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आप आपको ग्राफ दे रखा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर प्लस के इधर माइनस के, अपर साइड प्लस के और नीचे की साइड माइनस के। कुछ एक पॉइंट्स भी दिख रहे हैं इसमें, बी डी एच और ई। फर्स्ट देखिए बी के निर्देशांक, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बी पॉइंट के। अब बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू देखो बेटा, ये एक्स है, बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, -5, और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 2 है, तो कोऑर्डिनेट आगे। सेकेंड, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, हमने वो पॉइंट बताना है बी डी एच और ई में से कि इस कोऑर्डिनेट को कौन सा पॉइंट प्लॉट कर रहा है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -3 है, ये एक्स एक्सिस पे, ये री वैल्यू -3। वाई की वैल्यू क्या है बेटा, -5 है, ये रहा वाई एक्सिस पे -5। कहाँ मीट कर रहे हैं दोनों, ई पॉइंट पे, तो ये बिंदु क्या हो गया बेटा, ई। थर्ड, बिंदु डी का भुज, बिंदु डी का हमने एब्सिसा निकालना है, वो होती है एक्स की वैल्यू। अब डी पॉइंट पे देख लो एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो भुज कितना आ गया, 6 आ गया। फोर्थ, बिंदु एच के निर्देशांक, हमें एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं।
अब h पे x की वैल्यू कितना है बेटा, माइनस पांच है। y की वैल्यू कितना है h पे, माइनस तीन है। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट h के निर्देशांक। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हमें ये फिगर दे रखी है और ए बी क्या है, पैरेलल है सीडी के, समांतर दे रखा है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बेटा, एक लाइन पे बने कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे ये एक ही लाइन बन रही है 50 डिग्री प्लस में एक्स, इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से एक्स की वैल्यू हम निकाल लें, कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ये वाला x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। अब दो लाइन समांतर हैं, एक ट्रांसवर्सल तीर एक रेखा उन्हें काट रही है, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। क्यों, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ये एकांतर कोण है। तो जो x की वैल्यू है वही किसकी आएगी, y की वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को। क्वेश्चन नंबर सिक्स, What will be the mean of first six odd number? पहली छह विषम संख्याओं का माध्य। पहले तो पहली छह विषम संख्याएं देखें, एक तीन पांच सात नौ और ग्यारह, तीन तीन छह, पहली छह विषम संख्याएं odd number यही होंगे। निकालना है mean, मतलब इनको करना पड़ेगा हमें add, और जितने ये हैं उतनों से इनको भाग करना पड़ेगा। जोड़ दें, ग्यारह और नौ बीस, 20 और 7 27, 5 32 33, 34 35 और 1 36। 6 से काट दिया, क्या आ गया 6, ये मीन आ गया फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर्स का। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने सेक्शन बी के ही क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सेक्शन सी के क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।